अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर क्राउन न्यूज़ में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों की तफसीलात पर। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में आज फौज व फोर्सेस ने कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान मुश्तइल नौजवानों ने पुलिस और फौज पर पथराव किया। मालूम हुआ कि यह कार्रवाई गाँव में जंगजों की मौजूदगी की इतला मिलने की बुनियाद पर अमल में लाई गई। इतलात के मुताबिक फौज, पुलिस और SOG और CRPF ने मुश्तरक तौर पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का इंकिशाफ किया गया कि जनूबी जिला शोपियां में आइंदा हफ्ते से शुरू होने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात में 13 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि इनके मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार इंतखाब मैदान में नहीं उतरा है। DC बडगाम डॉक्टर सईद सैरिश असगर ने आज शेखपुरा माइग्रेंट कॉलोनी में तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि मार्च 2019 तक तामीराती कामों को मुकम्मल करके इनको दे दी जाए। इस मौके पर माइग्रेंट फैमिलीज ने अपने मसाइल DC के सामने रखे और DC ने उन्हें मौके पर ही इनके मसले हल करने की यकीन दहानी दी। इस मौके पर DC के हमरा जिला के बाकी अफसरान भी साथ थे। सपोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के तहत आज पुलवामा में यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स की जानिब से वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, टेनिस बॉल के खेलों का इब्तिदा किया गया। इस मौके पर पुलवामा के मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस इब्तदाई तकरीब में DC पुलवामा, SP पुलवामा और खेल कूद के बाकी अफसरान भी मौजूद थे। सपोर्ट में अच्छा है, ये खुशी का मौका आपको हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये एक मेगा इवेंट है जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स है। मैंने ऐलान किया कि जो सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इस साल का होगा उसको मैं 1 लाख रुपए के इनाम से नवाजूंगा। साफी बरादरी है, ये एक स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट का जो इनिशियेटिव पुलिस टास्क में चल रहा है, उसी के तहत हमारे जिले में भी इसका आज ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गए। इसमें पुलवामा ब्लॉक का आज यहाँ पे चला, इसमें 120 टीमें इस वक्त शुरू कर रही है और 6 गेम्स हम इसमें ऑफ कर रहे हैं, जिनका 2-3 दिन पर मुकाबला चलेगा और जितनी भी इसमें टीमें हैं उनको यूनिफॉर्म हमने प्रोवाइड की, उनको रिफ्रेशमेंट। वक्त तो चला है तजारती वक्फे का, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बारामूला में पहली बार ट्रेड फेयर, जहां पर बच्चों के लिए खेल कूद का अहतमाम किया गया है। इस नुमाइश में मुख्तलिफ चीजों की सेल भी है। गरियाबा पार्क बारामूला में ये नुमाइश इस इतवार को इख्तिताम होने वाली है, लिहाजा आइए और अपने बच्चों को भी साथ लाइए और इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि सैर व तफरीक के साथ साथ आप यहाँ घर के लिए ढेर सारी चीजें खरीद सकते हैं, वो भी माकूल दामों में। इसलिए आज ही तशरीफ लाइए इस ट्रेड फेयर में, जो गरियाबा पार्क बारामूला में इस इतवार को इख्तिताम होने को जा रहा है। रॉयल ड्रग स्टोर या ट्रॉमा हॉस्पिटल पटन, कश्मीर के उन लोगों के लिए खुशखबरी जो हड्डियों और जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के डॉक्टर गौरव सिंगला, जिसने अमेरिका, कनाडा, UK और मास्कर से तरबियत हासिल की है, हमारे पास तशरीफ ला रहे हैं। अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए इन फोन नंबरात पर राबिता करिए। नंबरात है 9906169883, 7889602335। वक्फे के बाद आप सभी नाज़रीन का फिर से खैर मकदम। नागानारी बुनियार के लोगों ने आज सड़क, बिजली और रोड्स की खस्ताहाली को लेकर मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी जाहिर की। मुकामी लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आज इस जदीद दौर में भी यहाँ हर तरह से हुकूमत ने हमें नज़रअंदाज किया है। यहाँ तो न कोई मौसलाती निज़ाम है, न इस दौर जदीद में कोई मोबाइल नेटवर्क यहाँ काम कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ के रोड्स की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि यहाँ के रोड्स पर बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, जिससे लोगों को चलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर लोगों ने कहा कि हमें यहाँ साफ पानी भी मैसर नहीं है, जिससे हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज तक सड़क को ठीक नहीं किया गया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम और MLA ओढ़ी से अपील किए कि यहाँ के रोड्स को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इस मौके पर मुकामी लोगों ने कश्मीर क्राउन से बात करते हुए कहा।
مانگے پوری کرو، ہماری مانگے پوری کرو، ہمارے مسائل پوری کرو، ہمارے مسائل حل کرو، ہمارے مسائل حل۔ بہس ناگ ناگ پہ ون محلس اس ناؤ دردحال سن مشکلات گڈت اس روڈ خراب یہ آج برو تقریباً پانچ وری بنمت تن پہ اکہ فری تیل آمت تر تم پہ پھس نس یہ تیوتہ خستہ حال گوت کہ مجھے تھی وچو پان تھی یت مز مطلب گاڑی کیا حالت گھن یم وقت اس بمار ڈلیوری کیس بڑ مشکلات گھن اگر اس نیوز پیپر کھیت گھن اہس پی لگا اگر اس بارہمولہ گھر تیس انٹرنیٹ ہاں کھلے تیس وچا اس کیا باسو اچھا ٹوٹلی اچھی ونان انڈیا فاسٹسٹ نیٹورک کتنے انٹرنیٹ اس پی اس کت جنریشن مجھے مے باسا اس اولڈ جنریشن اس بالکل پتم ست وری گئی اس کمپلینٹ کر ایرٹلس ہم خالی اس کمٹمنٹ کر دپان آج کرو دہ رت کرو نمو دہ لگان تنس گئی اس پتم ست رت ان کنٹنیو کنٹنیو کمپلینٹ کر ست وری ست وری اس ناٹ اے جوکس کھیل ہم وون اس کور وزٹ تھی اس یور کا ٹیمے پہ بت غلط رپورٹس اس سوز تو ٹیم تھی کرو اتس ٹائمس ویٹ۔ شمالی ضلع بارہمولہ کے قصبے سوپور میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سوپور میں زیر تعلیم طلبا نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ احتجاجی طلبا مانگ کر رہے تھے کہ سالانہ امتحانات جو کہ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے تحت لیے جا رہے ہیں کو ملتوی کیا جائے۔ رپورٹس کے مطابق گیارہویں جماعت کے طالب علموں نے سری نگر کپوارہ شاہراہ پر سوپور مارکیٹ کے قریب نمودار ہوئے جہاں انہوں نے ٹریفک کی آواجاہی مسروط کر کے رکھ دی۔ طلباء نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر امتحانات ملتوی کرنے اور ہم کیا چاہتے انصاف کے نعرے درج تھے۔ جموں کے گورنمنٹ ہائی اسکول قاسم نگر کو 2011 میں تعمیراتی کام شروع کیا گیا تھا لیکن آج تک اسے مکمل نہیں کیا گیا۔ اس اسکول کے سینکڑوں طلاب کو شدید مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ترقی کے اس دور میں بھی حکام کے ان داؤں کی پول کھول دیتا ہے جس میں ارباب اقتدار تعلیم کے کو پروان چڑھانے کے بلند باغ دعوے کر رہی ہے۔ طلاب نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس دور جدید میں بھی انتظامیہ اس سکول کی بلڈنگ کو مکمل کرنے میں کیوں ناکام ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں طلباء نے مزید کہا کہ گورنمنٹ ہائی سکول قاسم نگر جموں کو اب بھی بنیادی سہولیتوں کو یقینی بنایا جائے بصورت دیگر طلباء احتجاج پر اترنے کے لیے مجبور ہوں گے۔ کیونکہ ہمارے سکول کی حالت جو اب بہت خراب ہے، اس سکول میں ہماری تھوڑی کلاسز ہیں، ہمیں ایک کلاس میں دو کمبائنڈ کلاسز کر کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ ہماری بورڈ کی کلاسز ہیں، ٹینتھ کلاس ہے، اس کے لیے ہمیں اچھی طرح سے نہیں پڑھا جاتا۔ ہماری بلڈنگ ادھر کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، یہ 2014 میں سٹارٹ ہوئی تھی بننے اور ابھی تک اس کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ ہماری یہاں چار دیواری بالکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے جانور اندر آ کے بہت گند پھیلا دیتے ہیں، جس سے ہماری اسمیلس وغیرہ آتی ہے۔ ہماری ٹیچرس اچھی طرح سے نہیں پڑھا پاتے ہیں۔ یہاں ہمارے ادھر اسکول کے بیچ میں سے یہ ناڈی کراس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری بہت اسمیل آتی ہے۔ ہماری کریکس پڑے ہوئے ہیں ہماری کلاسز میں، جہاں سے بارش کی وجہ سے پانی اندر آتا ہے۔ اور میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گی کہ ہمارے جو بلڈنگس وغیرہ کمپلیٹ کیے جائے، ہمارے اسکول کی جو حالت ہے بگڑی ہوئی وہ ٹھیک کیے جائے۔ اور ہم یہی کہنا چاہتی ہوں میں کہ ہمارے جو آس پاس کی یہ گندگی ہے، یہ جو پھیلی ہوئی ہے گوبر، یہاں پہ اتنا سارا ہو جاتا ہے۔ ہم جب رات کو دیکھتے ہیں گائیں یہاں پہ، بھینسیں یہاں پہ گھسی ہوتی ہیں، اور صبح جب آؤ گوبر ہی گوبر اسمیل ہوتی ہے۔ اور ہماری پلیز ہماری یہی اپیل ہے کہ یہاں پہ جو گندگی پھیلی ہے وہ ختم ہو جائے۔ رامبن پولیس کی جانب سے رامبن اور آس پاس کے علاقوں میں سوچھتا ہی سیوا کے تحت صفائی مہم چلائی گئی۔ ہمارے نمائندے سلمان مناس کے مطابق اس مہم میں رامبن پولیس کے علاوہ رامبن ٹریڈرز ایسوسیشن سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر رامبن پولیس کے ایس ایس پی مس انیتا شرما نے کہا کہ اس مہم کے تحت ہر روز رامبن کے اندر صاف و صفائی کی جائے گی۔ انہوں نے لوگوں سے بھی اپیل کی کہ اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف و شفاف رکھے۔ اس موقع پر رامبن پولیس کے ایڈیشنل ایس پی سنجے پریہار، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اصغر ملک، ایس ایچ او رامبن وجے کوٹوال، میونسپل کمیٹی کے ایگزیکٹو افسر نے اس مہم میں حصہ لیا۔ وقت ہو چلا ہے ایک اور تجارتی وقفے کا، وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ قصبہ بارہمولہ میں اپنی نویت کا شاندار شو روم، جی ہاں میر کلیکشن، نزدیک جنرل بس اسٹینڈ ٹنگا کمپلیکس بارہمولہ۔ ہمارے یہاں دولہا دلہن کے لیے خوبصورت شیروانی لہنگا کئی رنگوں اور مختلف ڈیزائنوں میں دستیاب ہے۔ بکنگ کے لیے رابطہ کریں میر کلیکشن بارہمولہ۔ ہمارے فون نمبرات ہے 9906887425، 9469747925،
याद रखिए और तशरीफ ले आइए मीर कलेक्शन नजदीक जनरल बस स्टैंड टंगा कॉम्प्लेक्स बारामूला। वक्फे के बाद आप सभी नाज़रीन का फिर से खैर मकदम। एडिशनल डीसी बांडीपोरा मोहम्मद कासिम वानी ने आज ICDS दफ्तर में आधार एनरोलमेंट कैंपेन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कासिम वानी ने कहा कि यह कैंपेन लोगों को मुकम्मल तौर पर आधार की रजिस्ट्रेशन कराने से किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि जिले में कोई भी फर्द आधार रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं रहना चाहिए। लोगों ने इस इकदाम की काफी सराहना की। इनरोलमेंट सेंटर्स थे लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि लोग ये कहने पे मजबूर हो गए कि हमें स्पेशली अगर आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू या आंगनवाड़ी ऑफिस में CDPO ऑफिस में भी एक सेंटर होगा तो हमें उसे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसी सिलसिले में हमने चंद रोज़ पहले यहाँ आगाज़ किया आधार इनरोलमेंट का। आपने देखा होगा कि निचले कमरे में किस तरह से चल रहा है, पूरी तरह से ये फंक्शनल हो चुका है। जिला रामबन तहसील पोगल परिस्तान अकड़हाल के इलाके कूट में एक मकान गुज़श्ता रात तकरीबन 2 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर खाकिस्तर हो गया, जिसके नतीजे में मकान के अंदर माल मवेशी भी जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए। इस सिलसिले में मुकामी मुअज़्ज़िन ने नुमाइंदे को बताया कि अगर हुकूमत ने आइंदा के लिए अकड़हाल और पोगल में फायर सर्विस नहीं दी तो इसके खिलाफ लोग सड़कों पर निकल कर एहतजाज करेंगे। करके रखना है एक्सीलेटर पे। इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये धर्म सिंह कोट पोगल से जिसके घर में 2 बजे ये वारदात हुई जो बिजली की शॉर्ट से, और 3 मवेशी मर गए जो कि एक भैंस है 50,000 की थी, दूसरे मवेशी भी इसी तरह जिनका मुआवजा हम बड़े मतलब आलिया इंतजाम से बोलना चाहते हैं कि इनको कुछ न कुछ मुआवजा जरूरी मिलना चाहिए। ऑल जम्मू कश्मीर फिशरीज एम्प्लॉयज ने आज प्रताप पार्क श्रीनगर में एहजाजी धरना दिया। एहजाजी मांग कर रहे थे कि जो नए तर्ज पर भर्ती के अहकाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिए गए हैं उन्हें फिलफोर वापस लिया जाए। आज यहाँ पे आप धरना देख रहे हैं सिटिंग फिशरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन की क्यादत में, अतर साहब और बशीर अहमद राज साहब की क्यादत में, और इनके साथ हम BJCC के चेयरमैन मैं एजाज और ये हमारे जम्मू कश्मीर PJ कार के बाबू हुसैन साहब यहाँ पे बैठे हैं। असल मसला ये है कि इनके सर्विस रूल्स को चेंज किया गया है जो फिशरीज मुलाजमीन को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। आज तक जिस तरह से चलता आया है और हर मौके में जिस तरह से चलता आ रहा है ऐसे ही चलना चाहिए। हाल ही में फिशरीज़ के डायरेक्टर साहब ने एक प्रपोजल सरकार को भेजा है जिसमें रिक्रूटमेंट रूल को चेंज करने की बात कही गई है, और उस बात को सुनते ही फिशरीज मुलाजमीन में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है और सारे आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान उमर रशीद और कश्मीर क्राउन की पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।